नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपके पेनिस में स्मेल क्यों आती है और इससे क्या नुकसान हो सकता है? आपके लिंग से आती बदबू आपके सेक्स एक्सपीरियंस को भयानक बना सकती है। अगर आप ओरल सेक्स का मज़ा लेना चाहते हैं तो आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स को साफ रखने की ज़रूरत होती है। आपके लिंग में गंध होना असामान्य नहीं होता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि गंध या बदबू बदल गई है या तेज़ हो गई है तो यह किसी अंतर्निहित स्थिति का संकेत हो सकता है। लिंग से बदबू आने की अधिकांश स्थितियां गंभीर नहीं होती हैं और उनका आसानी से इलाज किया जा सकता है और यह अक्सर खराब स्वच्छता का परिणाम होता है, संक्रमण का कारण बन सकती है। पेनिस या लिंग में बदबू आना एक ऐसी समस्या है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच सेक्स संबंध में खटास पैदा कर सकती है। क्या आप जानते हैं कि लिंग से बदबू आने का क्या मतलब है? क्या एक बदबूदार लिंग का कारण बनता है और इसका इलाज कैसे किया जाता है? अथवा क्या यह बड़ी समस्या है या फिर क्या लिंग से बदबू आना नॉर्मल है? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें जैसे आगे कोई वीडियो डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, जानते हैं लिंग से बदबू आने के क्या कारण हो सकते हैं। यौन संचरित संक्रमण STD, लिंग से बदबू आने का कारण सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी हो सकती हैं। लिंग से बदबू आने के आपके लक्षणों के कारण क्या हो सकते हैं, इसके बारे में अधिक जानने के लिए और लिंग से बदबू आने के अन्य लक्षणों को जानने के लिए आप यह वीडियो देखते रहें। इस वीडियो में हम आपको यह भी जानकारी देंगे कि आप पेनिस की स्मेल से कैसे राहत पा सकते हैं। स्मैग्मा लिंग के शाफ्ट के चारों ओर नमी, तेल और त्वचा कोशिकाओं के निर्माण को संदर्भित करता है। बहुत अधिक स्मैग्मा का निर्माण तब होता है जब आप बहुत पसीना बहाते हैं या अपने लिंग को नियमित रूप से नहीं धोते हैं, तो यह बदबूदार सफ़ेद रंग का चकत्ते पैदा कर सकता है जो बैक्टीरिया पैदा कर सकता है। यदि इसे अनुपचारित छोड़ दिया जाता है तो आपके लिंग में सूजन या संक्रमण हो सकता है। आप क्या कर सकते हैं, अपने लिंग से स्मैग्मा को साफ करने के लिए फॉर स्किन पीछे खींचिए, अपने लिंग को हल्के जो है पानी से धो लीजिए और आप जो है इसके लिए फ्लाई पी इंटीमेट वाश का यूज़ करिए। इंटीमेट वाश यूज़ करना चाहिए, ना कि आपको साबुन का यूज़ करना चाहिए। लिंग को ड्राई कपड़े से पोंछ लें, उसको रगड़ना नहीं है। एक बार स्मैग्मा साफ हो जाने के बाद अपने लिंग के ऊपर अपनी चमड़ी वापस कर दें। एक बार जब स्मैग्मा को धोया गया है तो गंध गायब हो जानी चाहिए। यदि स्मैग्मा बना रहता है तो दिन में एक दो बार अपने लिंग को क्लीन जरूर करें। फ्लाई पी इंटीमेट वाश की सलाह देता हूँ, उसे आप यूज कर सकते हैं। यदि आपको ये लक्षण दिखाई दें तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। लाली है, रेडनेस है, सूजन है, जलन है, फॉर स्किन पीछे नहीं खिंच रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट है UTI, तब होता है जब आपके मूत्र पथ का हिस्सा में बैक्टीरिया वायरस से संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमण अक्सर इसके कारण होता है, जैसे यौन गतिविधि, आपके मूत्राशय से पूरा यूरिन बाहर नहीं निकल पा रहा है, आपको स्टोन है, पथरी है, बड़ा हुआ प्रोस्टेट, सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, डायबिटीज, मधुमेह, एक मूत्र कैथेटर का उपयोग करना। यदि आप एक UTI विकसित करते हैं तो आपका
लिंग एक गड़बड़ गंध पैदा कर सकता है। अन्य लक्षणों में ये हो सकते हैं जैसे बार बार पेशाब करने की आवश्यकता, भले ही आप जाने पर ज़्यादा पेशाब न कर पाएं, पेशाब करते समय जलन होना, पीला या गुलाबी यूरिन आना। यूटीआई हमेशा गंभीर नहीं होता है, लेकिन यदि उपचार न किया जाए तो वो गुर्दों में संक्रमण का कारण बन सकता है। आप क्या कर सकते हैं? यदि आपको यूटीआई पर संदेह है तो आप डॉक्टर को दिखाएं। ओवर द काउंटर ओटीसी दवाएं जैसे फेनाजोपाइरिडिन दर्द से राहत देने और डॉक्टर के पास जाने तक संक्रमण को नियंत्रण में रखने में मदद कर सकती है। एक बार यूटीआई का निदान हो जाने के बाद आपके डॉक्टर संक्रमण दूर करने के लिए एंटीबायोटिक लिख सकते हैं। यदि आपको अक्सर यूटीआई होता है तो आपके डॉक्टर कई महीनों तक एंटीबायोटिक दवाओं को कम खुराक लेने की सलाह दे सकते हैं। कभी कभी आपको जो है फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल कभी कभी इसे जो है खमीर संक्रमण या कभी कभी थ्रस कहा जाता है, तब होता है जब आपके लिंग पर कैंडिडा कवक नियंत्रण से बाहर हो जाता है। कवक अतिवृद्धि आपके लिंग को फफूंदीदार गंध दे सकता है। इसके लक्षण हो सकते हैं लाली या जलन, खुजली या जलन, सफ़ेद चंकी सामग्री क्षेत्र, असामान्य रूप से नम्र सफ़ेद या चमकदार लिंग की त्वचा। खमीर संक्रमण आपके लिंग को पर्याप्त रूप से नहीं धोने के कारण हो सकता है। वे एक महिला साथी के साथ सेक्स के माध्यम से भी फैल सकता है। जिनके पास आप जो है फंगल इन्फेक्शन है उनके साथ अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। यदि इसे भी अनुपचारित छोड़ दिया जाता है तो खमीर यानी फंगल इन्फेक्शन सूजन पैदा कर सकता है या आगे आपको अन्य संक्रमण का कारण बन सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? यदि आपको एक फंगल इन्फेक्शन का संदेह है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें, वे फंगल संक्रमण को साफ करने में मदद कर सकते हैं, उसके लिए दवाएं आपको दे सकते हैं। जो एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं, क्रीम भी होती हैं, कैप्सूल्स भी होते हैं, वो आपको दिए जा सकते हैं। आपको बेलानाइटिस हो सकता है, तब होता है जब आपके लिंग का सिर फूल जाता है। यदि फोरी स्किन को सूजन हो तो इसे बेलानोप्रोस्टाइटिस कहा जाता है। इसके परिणाम हो सकते हैं असुरक्षित यौन संबंध बनाना, खराब स्वच्छता, मैग्मा बिल्डअप। सुगंधित साबुन या बॉडी वॉश से आप सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं लिंग की, संक्रमण, त्वचा की स्थिति जैसे सोराइसिस और एक्जिमा। इनके अलावा आपको ये लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं जैसे लाली, खुजली और जलन, सूजन, चमड़ी के नीचे तरल पदार्थ का निर्माण, पेशाब करते समय जलन होती है। अगर खतना न हुआ हो तो बेलानाइटिस होने का अधिक खतरा होता है। यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाता है, आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, तो बेलानाइटिस आपके अग्रभाग को तंग कर सकती है और फोर स्किन के पीछे की हटने की क्षमता को खो सकते हैं। इसे फिमोसिस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस संबंध में आप अगर मेरे से कोई सलाह या सुझाव लेना चाहते हैं इस समस्या के लिए या किसी अन्य समस्या के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है, पसंद आया है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अब लेता हूं विदा, मिलते आगे किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।